अच्छा जी, हमारे यहाँ ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी इस हद तक बढ़ चुकी है जी कि मैं खबर पढ़ रहा था कि एक डिलीवरी बॉय ये इशारों की खिलाफ वर्जी के ऊपर उसके 28 चलान हो चुके हैं। बैठा है, बैठा है। सर जी माफ कर दे, गलती हो गई जी मुझसे। माफ कर दे, ये क्या बात हुई? कोई तुमने मेरे को पर्सनल लड़ाई किया जो मैं तुम्हें माफ कर दूं? दस हजार रुपया गरीब आदमी कहाँ से भरूंगा? एक मिनट, गरीब आदमी हो तो तुम्हें उस वक्त इस बात का ख्याल नहीं आता जब तुम सिग्नल तोड़ रहे होते हो। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से एक बार देखा है, तुम सिग्नल तोड़ते हुए रॉन्ग वे जा रहे थे। इस बात से कतई नजर कि तुम्हारी वजह से दूसरी गाड़ियों को हादसा हो जाए, तुम्हारी अपनी जान खतरे में पड़ सकती है। अभी आप इसको देखें जरा मोटरसाइकिल चलाते हुए, लगता है पिज्जे की लाश लेके जा रहा है। पिज्जा तो जल्दी इसलिए पहुंचाना होता है कि ठंडा ना हो जाए। सर ठंडा हो जाए, पिज्जा ठंडा होने से बचाते रहो। अल्लाह ना करे जिस दिन किसी चीज से टकरा गए तो तुम खुद सारे ठंडे हो जाओगे। असलम साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात ये कही है, यानी इनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है। भाई तुम्हें अगर इस बात का इतना ही खौफ है, ये जो तुमने बैग रखा हुआ है ये अच्छी क्वालिटी का बैग रखो ताकि तुम्हारा पिज्जा ठंडा ना हो, गर्म रहे इसमें। जी मैं गरीब आदमी, मुझसे प्यार करे सर। यार मेरी बात सुनो, चलान नहीं मैं छोड़ सकता। जी 10,000 रुपए सर जी। 10,000 नहीं दे सकते तो 5,000 के दो चलान दे दो। सर जी मैं 5,000 भी नहीं दे सकता। यार 1,000 के 10 चलान दे दो, पैसे तो देने पड़ेंगे। अरे वार्डन साहब मेरे मुंह को माफ कर दें। तुम्हारे मुंह को तो अभी खुद चलान होने हैं। ये चिंची रक्षा चलाता है, हाँ। इतनी तेजी से चला रहा होता है लगता है चीन के इश्तराक के साथ चांद पे जा रहा है। असलम साहब, ये सिर्फ एक चिंची रिक्शे वाले का मामला नहीं है, यहाँ पे बड़ी गाड़ियों वाले भी सड़क पे गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे F1 फॉर्मूला रेस में गाड़ी चला रहे हो। यानी शहर में ई चलान नाफिज है, यानी ई चलान के जरिए शहरियों के चलान भी होते हैं, लेकिन कानून साजी ना होने की वजह से शहरी उसको संजीदा नहीं लेते हैं। यानी आप देखिए ना, आपके तकरीबन इस लाहौर शहर में 22 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनके ई चलान हुए हुए हैं और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर उनके जिम्मे 3 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। और फरीद साहब आपको क्या बताएं, क्या सूरत हाल है। ईमान से मैं तो सारा दिन चौक में खड़ा होकर गाटा रहता हूँ। इन्नु हाल सुनावा दिल दा कोई मैडम यार ना मिल डा। अब हैरान होंगे वो देखे भाई साहब जो सबसे पड़े बैठे हुए। अच्छा, माशाल्लाह गोल्डन ऐनक लगा के शकल से लग रहा है कि शायद केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। आपको पता है इनका क्या चक्कर है, क्या मामला है? यार 50 चलान हो गए हुए हैं ओवर स्पीडिंग पे। 50 चलान? उनसे पूछे थोड़ा, बैठे हुए आपके सामने कैदा बैठे हुए, आप आवाज देंगे तो आवाज आएगी आपको। भाई साहब जी बोले, जब मैं आ गया हूँ तो आवाज आ रही होगी मुझे। मैं तो बोल ही रहा हूँ लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, 50 चलान करवा बैठे हैं, आपको स्पीड लिमिट्स का नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्पीड लिमिट है? अरे पूछ रहे हैं आप, किससे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मालूम है यहाँ किस सड़क पे कितनी स्पीड मुकर्रर है? 50 चलान करवा बैठे, यानी कनाल रोड के ऊपर 70 किलोमीटर/घंटे की स्पीड लिमिट है, जेल रोड के ऊपर, फिरोजपुर रोड के ऊपर, मेन बॉलीवुड गुलबर्ग के ऊपर, माल रोड के ऊपर 60 किलोमीटर/घंटे की स्पीड लिमिट है। उससे आगे आप जाएंगे तो चलान होगा आपका। बिल्कुल जी। किसको बता रहे हैं आप? ओ भाई आपको ही बता रहा हूँ, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पीड लिमिट के अंदर रहते हैं। जाएं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, यूरोप जाएं और देखे जाके वहां पे देखो जरा क्या कानून है। अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, जिस बेचारे ने नाड़ोवाल जाना हो तो 6 महीने पहले प्रोग्राम बनाता है। आप जाके इन ममालिक में देखें, किसी की जरूरत नहीं है। स्पीड लिमिट अगर लिख दी गई है तो मजाल है कि उसकी कोई वायलेशन करे। हाँ जी। ओ भाई मुझे क्या बताते हो, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, मैं तो उस वक्त इंग्लैंड में गया था जब सिर्फ पाकिस्तानी 3 थे। एक खालिद बास डार साहब, एक सरवर चौधरी साहब और एक जो मेयर बने हैं तीसरी दफा लंदन के सादक खान, इनके अबू।
तीन थे, चौथा मैं गया तो फिर ताश खेली हम लोगों ने। ताश ही खेली वहां पे, ट्रैफिक कवानीन के उसूल नहीं देखे, न सीखे न समझे। और भाई सीखा भी है और समझा भी है। बाहर जहाँ स्पीड लिमिट होती है इतने इतने बोर्ड लगाए होते हैं, जगह जगह लगाए होते हैं, बंदे को पता चल जाता है कितनी स्पीड है। आप ये बता रहे हैं कि किनाल रोड पे इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड है, कहाँ लिखा है बोर्ड लगा? आप बोर्ड लगा देते हैं जहां सड़क शुरू होती है या जहां खत्म हो जाती है वहां बोर्ड लगाते हैं। बाहर जहां स्पीड लिमिट है वो वक्फे वक्फे से बोर्ड लगाए होते हैं, बंदे को पता चल जाता है यहाँ इतनी स्पीड है। इसकी बातों में नहीं जाना, बड़ा तेज आदमी है, बड़ा तेज आदमी। असलम साहब ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बाहर की हम मिसाल देते हैं ना, तो बाहर तो हर थोड़े फासले के ऊपर स्पीड लिमिट आवेजा होती है, बड़ी बड़ी लिखी हुई होती है कि इस लिमिट से आपने आगे नहीं जाना। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ बोर्ड लगा होता है? अरे डड़ी डड़ी, इन्होंने जब गाड़ी खड़ी दिया, जब इन्होंने लाइसेंस बनवाया तो पटाखे। साहब ये पता करना इनका काम नहीं है, ये बताना आपका फर्ज है। ये आप सारे मिलके मुझे पढ़ गए, मैं भी अपने वार्डन लेके आता हूँ। अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये आप सारे वार्डन मिलके झगड़े करते हैं, बहस करते हैं। जाइए उधर जाके तशरीफ रखिए प्लीज। तो जब सारे मिलके हमें पढ़ जाएंगे तो फिर हम ना अपना बंदोबस्त करें। यार इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात है, मैं तो कानून की और उसूल की बात कर रहा हूँ। आप शरीफ आदमी है, मैं इसलिए बैठ रहा हूँ, ये बड़े तेज लोग हैं, उठाई उठाई पचास पचास चलान करके फिरे हैं। 10,000 कहाँ से छोड़ 10,000 रुपया? गरीब आदमी से। तुम पिज्जा ठंडा ना होने की वजह से पूरे लौट के ट्रैफिक खराब कर रहे हो। ये जो मोटा बैठा हुआ चिंची वाला, इन्होंने जो चिंची के साथ किया हुआ, जिस तरह इन्होंने सलाइयां मारी होती हैं ट्रैफिक के अंदर, आपको क्या बताए। इनका भी चलान किया करे ना, मैंने तो कभी नहीं देखा आप ट्रैफिक वालों को इनका चलान करते हुए। इनकी भी यूनियन बनी हुई है, इनका चलान करे हर टाल काट देते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं, सारे इकट्ठे होकर तो पड़ जाते हैं हमें। तो फिर वही बात हुई ना, जो ताकतवर है वो भारी है, यानी माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल, यही अगर यही सूला इधर जारी रहना तो फिर मुल्क का हल ही आफत है। ये तो इनको चाहिए, देखे बाढ़ के ममालक के अंदर इतने पैसे इकट्ठे होते हैं इन चीजों के साथ, जिनके साथ फिर मुल्क चलते हैं। इधर ना कोई चलान जमा कराता है, ना कोई एक्साइज ड्यूटी देता है, ना टोकन के पैसे देते हैं। एक्साइज वालों को वखड़ा वक्त पड़ा हुआ है, ट्रैफिक वालों को वखड़ा वक्त पड़ा हुआ है, टैक्स वालों को वखड़ा वक्त पड़ा हुआ है। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? अगर इन लोगों ने पैसे नहीं देने, हम कोई खड़ाट मांग रहे हैं? ये हमारी ट्रैफिक के कानून तोड़ते हैं, तो जब हम चलान करते हैं तो ये आगे से बहस करते हैं हमारे साथ। अब ये देखे हेलमेट पहन के बैठ गया, मुंह छुपा रहा है। सर जी प्यार करे मेरे साथ, दोबारा पुम्मी लूट मारी। सर मैं तो पिज्जा ठंडा होने से बचाता हूँ। सर जी देखे जरा क्या बहाना है जी पिज्जा ठंडा होने से, उनसे पूछे जिनके 50 चलान हुए हुए, ये किस चीज को बचा रहे होते हैं, आप किस लिए ओवर स्पीड जा रहे होते? ओ भाई भाग दौड़ करनी पड़ती है जिंदगी में, ऐसे नहीं गाड़ी आ जाती। सुना हो, और महंगाई इतनी हो गई है कि गाड़ी चलाने के लिए उससे ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। फिर गड्डी बेचती हो सीधा भाग दौड़ ही करे अकड़ो। एक जॉकड़ खरीदो, सवेरे सवेरे निकलो तो करो भाग दौड़। सर जी एक स्मॉल पिज्जा पड़ा हुआ है सर, वो ले ले मुझे छोड़ दे। शट अप, रिश्वत देते हो मुझे? स्मॉल पिज्जा है, स्मॉल ही है। लार्ज भी पड़ा हुआ सर। फ्लेवर कौन सा है? पजीता सर। उधर बैठ जाके, उधर बैठ जाके, ये तुमको दुबई की सड़कों में नहीं फेर रहे फड़जीता। सिट डाउन। रिश्वत देने की आदत पड़ गई हुई है इनको, अच्छा भला पता है कि वार्डन नहीं रिश्वत लेते, वार्डन सोल पे चढ़ते, वार्डन कानून नहीं तोड़ने देते, वार्डन कटे चलान होगा चलान ही होगा। बहुत अच्छी बात है, मच अप्रिशिएटेड असलम साहब। ओहो गोगा जी क्या कर रहे हैं, चलान की बात हो रही है भाई साहब, क्या बात है? मुझे कह रहे हैं उठ के डिब्बे में से पिज्जा निकाल के दे मुझे। ओ जी मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि गर्मी बहुत है, खराब ना हो जाए। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। बोल दी झूठ नहीं बोल दी, देख दी रा करिया मेरे सोनिया।